वेलकम टू ऑल। वर्तमान आम आरंभ करिया 50 आज 100 अच्छी 100 क्वेश्चन अच्छी एमसीक्यू अच्छी आपण माने आंसर देबे राइट एवं आपण माने भल हबो कॉपी रे 1 to 100 जेन आ गोडे नंबरिंग कर दंतु एवं प्रथमे आपण आंसर देबे एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छी ऑप्शन वाला अच्छी चारटा आपण गोटे ऑप्शन कमेंट देबे एवं मोर आंसर दे मिलेबे जे आपण ठीक के टिक मारिबे कॉपी रे एवं शेषे आप कमेंट लिखिए मोर 100 आउट ऑफ कत आप 60 रहा आप लिखे 60 आउट ऑफ 100 ठीक अच्छे लिखीदे कि आप कमेंट कर कमेंट बक्स लिखीदे शेषे बर्तमान आंसर देते लाइव चैट्रे रईट चलते आरंभ कराया क्वेश्चन नंबर फास्ट हाँ आउट ऑफ दी क्वेश्चन टे देखा जाऊ भले पढ़े आप मन ध्यान शुणी आप क्वेश्चन बुझीहब ठीक अच्छे चलते आम आरंभ करवा फास्ट क्वेश्चन केबे प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ होता केबे प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ होता ऑप्शन ए 1911 ऑप्शन बी 1912 ऑप्शन सी 1913 ऑप्शन डी 1914 तो प्रत्येक क्वेश्चन पे 10 सेकेंड रहिब पाखा कि प्राय समय एक नंबर समय पर 10 सेकेंड हो जाए आंसर दे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आम प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ होता 1914 मसीह राइट देन क्वेश्चन नंबर टू किए जर्मानी एकत्रीकरण प्रमुख भूमिका ग्रहण करते किए जर्मानी एकत्रीकरण रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करते ऑप्शन ए काभुर ऑप्शन बी माजनी ऑप्शन सी गारिबाल्डी ऑप्शन डी ऑटोवन बिस्मार्क आउ थे ऑप्शन पढ़ी नौची ऑप्शन ए काभुर ऑप्शन बी माजनी ऑप्शन सी गारिबाल्डी ऑप्शन डी ऑटोवन बिस्मार्क प्राय 10 सेकेंड समय सरी जाइए जो मैंने ऑप्शन नंबर डी देखते आंसर ठीक अच्छे आम जा परवर्ती क्वेश्चन को परवर्ती क्वेश्चन हो 1870 मसीह क्यों युद्ध रे फ्रांस जर्मनी द्वारा परास्त होता 1870 मसीह क्यों युद्ध रे फ्रांस जर्मनी द्वारा परास्त होता ऑप्शन ए रूसिया तुर्की युद्ध ऑप्शन बी बलकान युद्ध ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया सर्बिया युद्ध ऑप्शन डी सिद्दान युद्ध समय आरंभ हो जाए दस सेकेंड प्राय शेष हो जाए बर्तमान आप करेक्ट कर दिंतु मोर आंसर सहित मिले दिंतु जो मैंने यार ऑप्शन नंबर डी देखते करेक्ट आंसर तो 1 2 3 टाइम ऑप्शन नंबर डी हम आप करेक्शन करें खातारे लिखे के ठीक रहा नो चिटिंग कि चिटिंग करें ठीक अच्छे नो चिटिंग लेट्स लर्निंग क्वेश्चन नंबर 4 सिद्दान युद्ध में क्यों देश जर्मन द्वारा परास्त होगा पर दुई देश मध्य फ्रैंकफर्ट सिंधि स्वाक्षरित होता ऑप्शन ए फ्रांस ऑप्शन बी इटाली ऑप्शन सी तुर्की ऑप्शन डी इंग्लैंड फटाफट आंसर दे दिंतु कहना 100 क्वेश्चन बहुत शीघ्र सर पड़ो सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए फ्रांस इज द करेक्ट आंसर राइट आम देन जा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर को फ्रैंकफर्ट संधि अनुसार फ्रांस क्या तहार दुईट प्रदेश जथा अल्सेस और लोरेन हस्तांतर कर क्वेश्चन भल क्लीयर देखी हो चलो ऑप्शन ए इंग्लैंड ऑप्शन बी जर्मनी ऑप्शन सी इटली ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया इंग्लैंड जर्मनी इटली ऑस्ट्रिया ऑप्शन नंबर यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जर्मनी जो मैंने ऑप्शन नंबर बी सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 जीवा 1871 जनवरी 8 तारीख में पर्सियार राजा प्रथम विलियम को क्यों देश में सम्राट भाव घोषणा कराइला ऑप्शन ए फ्रांस ऑप्शन बी जापान ऑप्शन सी जर्मनी ऑप्शन डी इटली इटाली फटाफट आंसर दिंतु यार जो मैंने यार सठिक उत्तर देखते ऑप्शन नंबर सी जर्मनी द करेक्ट आंसर राइट
नेक्स्ट क्वेश्चन 1870 मसीह सेप्टेम्बर 2 तारीख में क्यों देश सैन्य बाहन आत्मसमर्पण करता। इटाली, प्रुसिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। चार्टा ऑप्शन इटाली, प्रुसिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी, राइट। देन फ्रैंकफर्ट सिंधि केबे स्वाक्षरित होता, बहुत इंपोर्टेंट, फ्रैंकफर्ट सिंधि केबे स्वाक्षरित होता। चार्टा ऑप्शन आपन को देखिदिंतु, एवं चार्टा ऑप्शन ए बी सी डी अच्छी, कौटा आंसर फटाफट दिखाँ। खाली ए भी लिखिदेवि कि बी सी डी एमती लिखे भी चलो, खाते मतलब करेक्शन कर दूसरे मझे मझे खाते मतलब टिक मार तुम्हें कैसे ठीक है कैसे रंग ला। सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर डी, राइट। 1871 मे 10 तारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 9, कहार पराजय पर, कहार पराजय पर जर्मनी एकत्रीकरण संपूर्ण होता। ऑप्शन अच्छे अपने पाखे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रुसिया, रूसिया। सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए, जो मैंने ऑप्शन ए देते हैं करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा, किए फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रूसिया रा सम्राट मानू एकत्र करी त्रि सम्राट संघ गठन करते। बिस्मार्क, काभुर, माजनी, गारिबाल्डी। जो मैंने यार ऑप्शन देखते ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को, कहार यूरोप एक घरिकिया करने उद्देश्य बिस्मार्क चुक्ति व्यवस्था आरंभ करते। फ्रांस, इटाली, प्रुसिया, ऑस्ट्रिया। फटाफट आंसर दे दिंतु 10 सेकंड मध्य। जो मैंने यार आंसर देखते ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1879 मसीह किए ऑस्ट्रिया सहित एक राजीनामा स्वाक्षर करते। काभुर, गारबाल्डी, माजनी, बिस्मार्क। चारोटी ऑप्शन अच्छे फटाफट आंसर दे दूँ। यार सठिक आंसर हे, जो मैंने यार सठिक आंसर देखते ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आम के इटाली ऑस्ट्रिया राजीनामा जोग दे 1880, 1881, 1882। फटाफट आंसर दे दिंतु, यार सठिक आंसर को मैंने फास्ट देवे। जो मैंने यार उत्तर देखते ऑप्शन नंबर सी दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक अच्छे। एवं लास्ट जाए देखु एवं आपण मैंने आंसर जनइबे के रखिले आप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी, क्वेश्चन नंबर 14, 1882 मसीह जर्मनी ऑस्ट्रिया राजीनामा क्यों देश जोग देवा फल त्रिशक्ति मेट सृष्टि होता। ऑप्शन ए रूसिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटाली, ऑप्शन डी प्रुसिया। शीघ्र शीघ्र आंसर दे दिंतु, अधार रूप किसी लाभ हमने भूली जी, जो मैंने रोच लास्ट जाए देख कम से कम 45 घंटे भितर सर आप लास्ट को अपना उत्तर जन पारे, ठीक अच्छे। यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर सी, जो मैंने सी से आंसर आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1994 मसीह क्यों दुई देश परस्पर मध्य प्रतिरक्षामूलक चुक्ति सहित एक सामरिक चुक्ति साक्षर करते। चार्टा ऑप्शन आप देखा, ऑप्शन ए रे फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी रूसिया और प्रुसिया, ऑप्शन सी रूसिया और इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूसिया और फ्रांस। फटाफट आंसर दे दिंतु, ऑप्शन ए बी सी डी। खाली ए बी सी डी 15 नंबर देखी ए बी सी डी लिखे जानपर हाँ क्वेश्चन आंसर कत नंबर दे, ठीक अच्छे। जो नंबर आंसर देवे से नंबर लिखिकी ए बी सी डी ऑप्शन गोटा बाचिक लिखिदेवे सेंड करदे मेसेज। राइट, जो मैंने यार सठिक आंसर देते ऑप्शन नंबर डी दिस इज द करेक्ट आंसर। आम जा परवर्त प्रश्न को, 1902 मसीह इंग्लैंड क्या सहित एक चुक्ति स्वाक्षर करता। क्वेश्चन नंबर 16, 1902 मसीह इंग्लैंड क्या सहित एक चुक्ति स्वाक्षर करता। रूसिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर
डी जापान 1904 मसीह रे ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। 1904 मसीह रे इंग्लैंड कहा सहित एक चुक्ति स्वाक्षर करथिला फ्रांस जर्मनी इटाली रूसिया। फटाफट आंसर दे दियंतु ये सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न 1907 मसीह रे इंग्लैंड कहा सहित एक चुक्ति स्वाक्षर करथिला रूसिया ऑस्ट्रिया इटाली प्रुसिया। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए रूसिया। राइट रूसिया तो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी इंग्लैंड फ्रांस और रूसिया मध्य केउ मेंट गठित होता बहुत इंपोर्टेंट अच्छी त्रि सम्राट संघ ना त्रि शक्ति मेंट ना त्रि शक्ति पक्ष ना त्रि मित्र पक्ष। जो मैंने नवम श्रेणी अष्टम श्रेणी दशम श्रेणी पढ़ते से प्राय आंसर दे पारे शीघ्र 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 से शीघ्र आंसर दे पारे। जो मैंने यार ऑप्शन देते ऑप्शन नंबर डी दिस इज द करेक्ट आंसर त्रिमित्र पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देशर सम्राट को काइजर कहला इटाली फ्रांस रूसिया जर्मनी। सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रूसिया रो सम्राट को कौन कहला राजा जार सुल्तान ना काइजर। सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जार बी ऑप्शन बी हम जार। परवर्ती प्रश्न तुर्की शासक कौन कहला सम्राट जार सुल्तान काइजर। सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन टा तो हम जी हाँ 21 नंबर क्वेश्चन है काइजर 21 नंबर बी हम सठिक आंसर जार एवं 22 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर हम सुल्तान सी। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन केउन देशर राजा को कार कहला ऑस्ट्रिया इटाली बुल्गेरिया रूसिया। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर बुल्गेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1990 मसीह पर क्यों देश नौ शक्ति रे इंग्लैंड अपेक्षा अधिक वृद्धि घटाई बोली घोषणा करथिला फ्रांस जर्मनी ऑस्ट्रिया रूसिया। सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। राइट जर्मनी रो केउं शासक औपनिवेशिकवाद नीति ग्रहण करथिले बिस्मार्क गारिबाल्डी काइजर द्वितीय विलियम जार द्वितीय निकोलो। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर सी काइजर द्वितीय विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जर्मनी को औपनिवेशिकवाद हटापी केवे इंग्लैंड और फ्रांस हाथ मिले 26 नंबर प्रश्न आउ थे पढ़ी नौ जर्मनी को औपनिवेशक प्रतिद्वंदी हटापी केबे इंग्लैंड और फ्रांस हाथ मिलाई थे। सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर डी 1907 मसीह। ये सठिक आंसर हम 1900 बी। सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर डी 1907 मसीह। परवर्ती प्रश्न को आम जी 1878 मसीह बर्लिन महासभा पर तुर्की आभ्यंतरीण व्यापार प्रति क्यों देशर प्रति उदासीनता और विस्तृष्णार सुजोग नहीं जर्मनी तुर्की सहित मित्र स्थापन कर फ्रांस जापान रूसिया इंग्लैंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्लिन बागदाद बाद रेलपथ प्रकल्प निर्माण करने क्यों देश तुर्की अनुमति आवश्यक करुला जर्मनी इंग्लैंड रूसिया जापान। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। 29 बर्लिन बागदाद रेलपथ निर्माण को क्यों देश विरोध करुला इटाली इंग्लैंड रूसिया जापान। फटाफट आंसर दे दिंतु। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो मैंने ऑप्शन नंबर बी सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन केउन देश जर्मनी पार्च्य नीति को विरोध करुला रूसिया ऑस्ट्रिया तुर्की इटाली। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए रूसिया इज द करेक्ट आंसर। राइट खाते अपना नोट कर ने ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जी केबे फ्रांस मर्कर आधिपत्य विस्तार लगी आग्रह प्रकाश करथिला ऑप्शन ए 1901 ऑप्शन बी 1902 ऑप्शन सी 1903 ऑप्शन डी 1904। फटाफट आंसर दे दंतु। यार सठिक आंसर हेबो एवं एवं यार कमेंट कर दंतु आपन मन 23 रे केते रहिला जे मन कर गणि दिछ। ठीक अछि।
ତାପରେ ଶେଷକୁ ବୋଧେ ଆପଣ ଦେବେ 100ରୁ କେତେ ରଖିଲେ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 1904 ମସିହା ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ବି ମରକୋର ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କେବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 1903 1904 1905 1906 ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 1905 ମସିହା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲଜେରାସିସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା 1904 1905 1906 1907 ମସିହା ମୋତେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 1900 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ 1906 ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରୁଷିଆ ଓ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 1874 1875 1877 1878 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 1877 ମସିହା ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା 1978 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବର୍ଲିନ୍ ମହାସଭାର ରାଜିନାମା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିଦେଉଛି 1878 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବର୍ଲିନ୍ ମହାସଭାର ରାଜିନାମା ଫଳରେ ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜିଗୋଭିନା କେବଳ ଦଖଲ ଓ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 1877 ମସିହା ରାଇଟ୍ ଦେନ୍ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି 36 ନମ୍ବର ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜେଗୋଭିନା ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧୀନରେ ରହିବ ବୋଲି ମହାସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ତୁର୍କୀ ଅପସନ୍ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅପସନ୍ ସି ରୁଷିଆ ଅପସନ୍ ଡି ଜର୍ମାନୀ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଥାର୍ଟିସିକ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ତୁର୍କୀ ହେବ ସରି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁର୍କୀ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 37 ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 1908 ମସିହା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜେଗୋଭିନାର ମିଶ୍ରଣକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ 38 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସର୍ବିଆ 39 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜେଗୋଭିନାର ମିଶ୍ରଣକୁ କେଉଁ ଦେଶ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ଇଟାଲୀ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଜର୍ମାନୀ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଧମକ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜର୍ମାନ କାଇଜର ମର୍କୋର ଆଗ୍ଦିର ବନ୍ଦରକୁ ପାନ୍ଥ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇଥିଲା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସରି ଏହାର ଅପସନ୍ ମୋତେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଅପସନ୍ ହେବ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜାପାନ ଜର୍ମାନୀ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଫ୍ରାନ୍ସ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1899 1907 ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ମିଳନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଯୁଦ୍ଧ ନିବାରଣ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା 41 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହେଗ୍ ବର୍ଲିନ୍ ଆଲଫିଲ୍ସ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବହି ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ କାଳେ ମୋର ଭୁଲ ରହୁଥିବ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପଢ଼ିକି କରେକ୍ସନ୍ ବି କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ସବୁ କାମରେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 42 1914 ମସିହା ଜୁନ 28 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରାଜଗାଦୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆର୍କିଡକ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫଡ଼ିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋଫିଆଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ହର୍ଜେଗୋଭିନା ସର୍ବିଆ ବୋସ୍ନିଆ ସାରେଜେଭୋର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସାରେଜେଭୋ ରାଇଟ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଓ ସୋଫିଆଙ୍କ ହତ୍ୟା କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶୁ କାରଣ ଥିଲା ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ଲକାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43 ହେବ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 44 ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଓ ସୋଫିଆଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା ତୁର୍କୀ ବୋସ୍ନିଆ ସର୍ବିଆ ହର୍ଜେଗୋଭିନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସର୍ବିଆ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସର୍ବିଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା 45
ସର୍ବିଆ ବିରୋଧରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ କାହାର ନିଃସତ୍ତ୍ୱ ସମର୍ଥନ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ପ୍ରୁଷିଆ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, ଜର୍ମାନୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1914 ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ 10ଟି ସର୍ତ୍ତ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଚରମପତ୍ର କାହା ନିକଟରେ ପଠାଇଥିଲା? ବୋସ୍ନିଆ, ହର୍ଜେଗୋଭିନା, ପ୍ରୁଷିଆ, ସର୍ବିଆ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟି, ସର୍ବିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଦେଶକୁ ଘୁଷୁରୀ ରପ୍ତାନୀ କେଉଁ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ପ୍ରୁଷିଆ, ସର୍ବିଆ, ତୁର୍କୀ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସର୍ବିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା 48 ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସାଗରକୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବିଆର ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏହାକୁ କେଉଁ ଦେଶର ଘୁଷୁରି ରାଜନୀତି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲା? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ପ୍ରୁଷିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ତୁର୍କୀ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦେଶ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁପ୍ତ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା? ସର୍ବିଆ, ତୁର୍କୀ, ବୋସ୍ନିଆ, ରୁଷିଆ? ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସର୍ବିଆ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଯୁବରାଜ ଓ ରାଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବୋସ୍ନିଆ ଯୁବକ ଗାଭ୍ରିଲୋ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କେଉଁ ସଂଗଠନ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଦୁଃଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ତ୍ରିଶକ୍ତି? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ରାଇଟ୍, ଇଏ ଥିଲା 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଏ ପାର୍ଟ ୱାନ୍। ପାର୍ଟ ବିରେ ଆମେ 51-100 ଆସିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଲା, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100ରୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100 ଆପଣ କେତେ ସ୍କୋର୍ କଲେ ଏବଂ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପାଇଁ, ପାର୍ଟ 2, 50ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।